नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बालाग्राम बौद्ध जी। बालाग्राम जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बालाग्राम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं और घर घर जाके, जन जन जाके उस पीड़ा के दर्द को सह के उस चीज़ को सही करते हैं। बालाग्राम जी, एक बात बताइए, अभी आप जो 2 तारीख को शहीद हुए थे बच्चे, उनके लिए आप 11 मूर्तियों का लगवाने का काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और ये क्या है, मतलब उसके बारे में खुलासा करें थोड़ा। देखिए, जो 11 मूर्तियों के बारे में अभी आपने बात की है जी, वो एक ऐसा इंस्टेंट था कि वो एक सामाजिक क्रांति का इंस्टेंट था। वो बच्चे जो उनकी बच्चों की जो शहादत हुई है, वो उनका अपने कोई निजी कार्य के लिए नहीं, वो एक समाज के लिए गए हैं। और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यक्ति समाज के लिए अपने जान दे दी हो, तो हम उनकी प्रतिमा लगा के उनको, उनके जीवन को अमर करें, तो इसलिए हम उनकी प्रतिमा बिल्कुल लगवाएंगे और उनके गांव-गांव जाके, प्रतिमा ही नहीं, प्रतिमा के साथ साथ हम उनके एक लाइब्रेरी टाइप बनवाएंगे, ताकि जो जो बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा तो उस पढ़ाई के साथ साथ उन प्रतिमाओं को देख के अपने आप अपना एक प्रेरित होगा कि भाई एक बहुजन मूवमेंट के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। बलराम जी, एक बात बताइए, जो शहीद हुए बच्चे उसके लिए आपने इतना सोचा, जबकि देश की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए, जो नेता अभिनेता बने हुए घूम रहे हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। आप किसी पद पे नहीं हैं, आप किसी कार्य पे नहीं हैं, आप किसी पदों पे काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ये कैसे लगा कि ये काम करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ तक सरकार की बात है, यदि सरकार की सकारात्मक सोच होती SC ST एक्ट के विपरीत, तो बच्चे आज हमारे बीच जिंदा होते, उनकी शहादत नहीं होती। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, उनका अपना विवेक है, अपना उनका एक नज़रिया है, लेकिन हर सामाजिक कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने उस जिम्मेदारी के लिए कदम बढ़ाया है। आप थोड़ा खुलासा करेंगे, 11 मूर्तियाँ कहाँ एक जगह लेंगे या सभी अलग अलग लेंगे, उसके बारे में बताएंगे? हाँ नहीं, वो ऐसा है, ये 2 मूर्तियाँ हमारे जिला मेरठ की हैं, एक शोभापुर गाँव में है, एक छोटा हसनपुर गाँव में है, एक बच्चा हमारा ग्राम गांधला मुजफ्फरनगर से शहीद हुआ है, एक भी मूर्ति वो मुजफ्फरनगर में लगेगी, एक फगवाड़ा पंजाब में है, और एक मूर्ति हमारे उसमें जड़ौली गांव अलवर में है, 6 मूर्तियां हमारी मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें 4 ग्वालियर में हैं, 1 भिंड में है, 2 भिंड में हैं। आप थे हमारे साथ बालाग्राम बौद्ध जी, समाज के कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर एक कार्य में, हर एक मंच पर दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर होते हैं। SM News से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बालाग्राम जी। धन्यवाद।